नमस्कार, ओम शांति। मैं हूँ श्रेया और आप देख रहे हैं पीस न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। जयपुर में संगीत के साथ परमात्मा मिलन थीम पर संगीत संध्या कार्यक्रम। बीके पूनम ने गीतों में छिपे आध्यात्मिक रहस्यों को किया उजागर। कोहिमा में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ पुलिस हेडक्वार्टर में बैठक, पीके रूपा भी हुई शामिल। और बुलेटिन में होंगे राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस और कल तरु प्रोजेक्ट के तहत आयोजित हुए कार्यक्रमों की खबरें। अब खबरें विस्तार से। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पिंक सिटी जयपुर में राजा पार्क सेवा केंद्र और पिंक सिटी म्यूजिक एकेडमी द्वारा संगीत के साथ परमात्मा मिलन थीम पर संगीत संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान और मुंबई के कई कलाकारों ने अपने गीत द्वारा माहौल को आध्यात्मिक बना दिया। अपनी करुणा का जो तू बहार है, हर संगीत संध्या का शुभारंभ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भंवरलाल भाटी, ऑल इंडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन के महामंत्री दीपक शर्मा, पार्षद स्वाति परनामी, गायिका महमूद बेगम, गायक सुखीराम मंडा, जयपुर सब जोन प्रभारी बीके पूनम ने दीप जलाकर किया। इस संगीत संध्या में कलाकारों ने ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा निर्मित ईश्वरी गीतों को गाया, जिनमें छिपे आध्यात्मिक रहस्यों को बीके पूनम दीदी ने सरल करके लोगों को समझाया। आई तेरी दर पर हम जिंदगी लुटाने, मिट्टी का घड़ा बनाने के लिए आकार मिट्टी को देते हैं, बाहर से तो थपकी देते हैं, अंदर से वो उसको प्यार देते हैं, तो थपकी भी मिलेगी आपको, चोटें भी मिलेंगी, रौंदा भी जाएगा, पीसा भी जाएगा, तब एक सुंदर मूर्ति, सुंदर घड़ा आकार लेगा। तो डरो मत, सुंदर मूर्ति बनना है, पूजनीय मूर्ति बनना है, दर्शनीय मूर्ति बनना है, तो मरना जीना तेरी गोद में ही है, डर नहीं छोड़ेंगे तेरा कुछ भी हो जाए। ऐसे ही कमल अपार्टमेंट सेवा केंद्र द्वारा भी प्रभु मिलन का सुख विषय पर आयोजित कार्यक्रम में पद्मश्री अवार्डी प्रसिद्ध लोक नृत्यांगना गुलाबो सपेरा, फिल्म अभिनेता जोजो मुख्य अतिथि रहे, जिनका सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला ने स्वागत करते हुए कार्यक्रम का आगाज किया। शुभारंभ के पश्चात गुलाबो सपेरा ने अपने जन्म से जुड़ी सत्य घटना को सुनाते हुए कन्या भ्रूण हत्या रोकने एवं बेटियों को भी बेटों के बराबर अधिकार देने की अपील की। मेरी मौसी ने रात की 12 बजे जाके और 2 बजे जाके वहाँ दाम चुका रहा था, वहाँ से बोल के मुझे निकाले और ईश्वर की दिया से मेरी सांसें चल रही थी और मेरी माँ की जीत हुई। नागालैंड की राजधानी कोहिमा में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ जागरूकता के लिए कोहिमा पुलिस हेडक्वार्टर में ब्रह्मा कुमारी के सहयोग से कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश के जबलपुर से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल विकास वर्चुअली जुड़े। ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े विकास चौहान ने अपने वीडियो संदेश में बताया कि राजयोग मेडिटेशन की मदद से व्यक्ति नशा और तनाव मुक्त बन सकता है। कार्यक्रम में उपस्थित बीके रूपा ने कर्नल विकास की बातों को आगे बढ़ाते हुए राजयोग मेडिटेशन की जानकारी दी और राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास भी कराया। कोहिमा के एनपीएस एसपी पी बेदांग चुबा ने नागालैंड में ड्रग्स के फैलाव का जिक्र करते हुए कहा कि राजयोग मेडिटेशन पुलिस कर्मियों के लिए काफी लाभप्रद होगा। समाज के मुख्य धारा से अलग जीवन जी रहे कैदियों को अपना जीवन दिव्य बनाने के लिए अहमदनगर में साइबन में मधुबन बी के पाठशाला द्वारा जिला कारागृह में 7 दिवसीय राजयोग मेडिटेशन शिविर का आयोजन किया गया।
जिसकी जानकारी हमें साइबन में मधुबन बीके पाठशाला की संचालिका बीके डॉक्टर सुधा कांकरिया और जिला जेल के अधीक्षक पेट्रस गायकवाड़ ने दी। हमेशा बंदियों को ऐसा लगता है कि हमारी तरफ समाज ठीक से देख नहीं पाता है, लेकिन इस कारणवश हमारे ध्यान में ये बात आई है कि ध्यान धारणा और शारीरिक और मानसिक उनका जो ध्यान बढ़ाने की कोशिश हमारे साहिबन में मधुबन ये जो केंद्र है डॉक्टर सुधा कांकरिया मैडम इनके मार्फत हुआ, तो उसका काफ़ी सकारात्मक परिणाम बंदियों के ऊपर हुआ है। मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि महाराष्ट्र के हर कारागृह में ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा राजयोग मेडिटेशन की पहल हुई है और अनेक अनेक कारागृह में राजयोगा मेडिटेशन की शुरुआत होते हुए दिसंबर एंड तक ये कैदी बांधवों के लिए ये राजयोगा मेडिटेशन आगे चलता रहेगा और उनमें सकारात्मक परिवर्तन होना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य है। और परमपिता परमात्मा के मार्गदर्शन से करण करावन हार वही है, मुझे लगता है ये लक्ष्य को हम हासिल कर पाएंगे। अब एक और खबर अहमदनगर की, जहां साईं माउली सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के नए भवन के उद्घाटन अवसर में अहमदनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके राजेश्वरी भी विशेष तौर पर उपस्थित रही और हॉस्पिटल स्टाफ को राजयोग मेडिटेशन के फायदों की जानकारी देते हुए उसके साप्ताहिक कोर्स के लिए सेवा केंद्र पर आने का निमंत्रण दिया। मेडिकल विंग के कार्यकारी सदस्य बीके डॉक्टर सचिन परब के कर्नाटक के बीदर पहुंचने पर एसपी ऑफिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड के जब शेट्टी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड पीजी सेंटर केरला स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन पर मेडिटेशन एज मेडिसिन विषय पर वर्कशॉप्स का आयोजन हुआ, जिसमें डॉक्टर सचिन परब ने राजयोग के फायदे बताते हुए दिनचर्या में शामिल करने की अपील की। इन्हीं कार्यक्रमों के दौरान डॉक्टर सचिन की मुलाकात डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बसवराज एस चेगरा रद्दी से हुई, जिनसे चर्चा के दौरान डॉक्टर सचिन ने ब्रह्मा कुमारी द्वारा की जा रही ईश्वरी सेवाओं की जानकारी देते हुए परमात्मा शिव का स्मृति चिन्ह भेंट किया। इन कार्यक्रमों के दौरान स्थानीय सेवा केंद्र की बीके बहने भी उपस्थित रही। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के चलते ब्रह्मा कुमारी संस्था ने डॉक्टर्स के सम्मान में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसकी झलकी हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरें मध्य प्रदेश के छतरपुर, भोपाल, ग्वालियर, झाबुआ, खरगोन, मंडला, मुरैना, नरसिंहपुर, पन्ना, राजगढ़, सारंगपुर, साझापुर, ग्वालियर और उज्जैन की, जहां डॉक्टर्स के सम्मान में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सब रिश्ते सब नाते हम सब कुछ अपना भूल गए, जब मिट्टी ने आवाज दी हम फर्ज निभाने निकल पड़े। सब रिश्ते सब नाते हम सब कुछ अपना भूल गए, जब मिट्टी ने आवाज दी हम फर्ज निभाने निकल पड़े। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के बालोद, भाटापारा, बिलासपुर और धमतरी की। ऐसे ही गुजरात के गांधीनगर, अहमदाबाद के लोटस हाउस और राजकोट के रविरत्ना पार्क, महाराष्ट्र के लातूर, पुणे और मुंबई के वाशी, यूपी के हाथरस और वाराणसी, राजस्थान के बालोतरा और जालोर, उड़ीसा के भद्रक और राउरकेला, हरियाणा के चरखी दादरी और नांगल, कर्नाटक के बांगरपेट, झारखंड के दुमका, तेलंगाना के सांगारेड्डी, हिमाचल प्रदेश के सोलन, आसाम के तिनसुकिया की तस्वीरें, जहां ब्रह्मा कुमारी द्वारा चिकित्सकों के सम्मान में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पर्यावरण संरक्षण के लिए ब्रह्मा कुमारीज द्वारा चलाई जा रही मुहिम कल तरु के तहत यूपी के आगरा, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर, कर्नाटक के बेंगलुरु,
मध्य प्रदेश के राजगढ़ और छतरपुर, हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद और नांगल, महाराष्ट्र के महसावत और वेस्ट बंगाल के मिदनापुर में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन और वृक्षारोपण किया गया, जिसकी तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते हैं जिसे प्रकृति। कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते हैं जिसे प्रकृति। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन। हमें न्यूज भेजने के लिए peacenews@godlywoodstudio.org पर मेल करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, और नई खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए लेते हुए इजाजत, नमस्कार, ओम शांति।